मराठा साम्राज्य की वीर गाथा सिर्फ दक्कन तक सीमित नहीं थी। शुरुआती दिनों में मराठा साम्राज्य का उगम स्थान कर्नाटक का बैंगलोर शहर भी था, पर यहाँ के नायक छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं थे। इस अभियान को चलाया था खुद शाहजी राजे भोसले और उनके बड़े बेटे संभाजी राजे भोसले। आज की वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलने वाली है जिनसे आप अनजान थे। मराठा साम्राज्य का अपरिचित इतिहास आपके सामने पेश होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। हमने पहले के वीडियो में भी बताया था कि मराठा साम्राज्य का अध्ययन करने से पहले श्री शाहजी राजे भोसले को अच्छी तरह से जानना बेहद ज़रूरी है। श्री शाहजी राजे भोसले पर हमने ढेर सारी वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये बात है 1640 के पहले की, जब शाहजी राजे आदिलशाही हुकूमत में अपना कदम रख चुके थे। मराठा साम्राज्य का पहला राज्य पुणे शहर की नींव मजबूत करके वे कर्नाटक पहुंचे। उस वक्त आदिलशाही सल्तनत की गद्दी पर मोहम्मद आदिल शाह बैठा था। वो जब अपने बुढ़ापे के करीब पहुंचा, तो उसकी बीवी खदीजा सुल्ताना ने अपने बेटे अली आदिल शाह दूसरे को गद्दी पर बिठा के खुद राज करने लगी। पर बैंगलोर वाला मुद्दा उससे पहले आता है। उस वक्त अफजल खान और शाहजी राजे भोसले आदिल शाह के लिए मिलकर काम करते थे। उस वक्त शाहजी राजे के रूप में सह्याद्री का मुद्दा शांत हो चुका था। अब आदिल शाह को दक्षिण भारत की ओर कूच करना था। हालांकि वो इलाका आदिल शाही सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, पर उस वक्त के छोटे छोटे हिंदू राजाओं ने आदिल शाही सरदारों को भगाकर अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था और मैसूर जैसे राज्य भी शामिल थे। अगर आप इतिहास के जानकार हो तो आपने नायक नामक समुदाय का नाम सुना होगा। इन्हीं नायकों को अफजल खान ने मौत के मुंह में ढकेल दिया था, पर फिर भी वो बैंगलोर जैसे बड़े शहर को आदिल शाही सल्तनत में जोड़ नहीं पाया। इस काम के लिए आदिल शाह के नज़रों में सिर्फ एक इंसान था, वो थे श्री शाहजी राजे भोसले। इस मर्द मराठा को उनके बेटे और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे भोसले ने बड़ा साथ दिया। इस वीडियो के माध्यम से आपको शिव बंधु संभाजी राजे भोसले की जानकारी भी मिलेगी। हालांकि उनके ऊपर हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे। शाहजी राजे के पास 12,000 सैनिकों की फौज थी। शाहजी राजे जब आदिल शाह का हिस्सा नहीं थे, तब रणदुल्ला खान नामक सरदार ने शाहजी राजे पर जोरदार हमला किया था। कई महीनों तक दोनों में युद्ध हुआ। अंततः शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत का हिस्सा बन गए। आदिल शाह ने उस रणदुल्ला खान को शाहजी राजे के साथ दक्षिण मुहिम पर भेज दिया, पर इस बार दोनों में कोई टकराव नहीं था। शायद शाहजी राजे भोसले ने अपने गुस्से पर काबू रखा। पुणे और अन्य नगरों के रूप में शाहजी राजे भोसले ने मराठा साम्राज्य का पहला राज्य स्थापित कर लिया था। अब उन्होंने ऐसा नियोजन बनाया जिससे आदिल शाही सल्तनत डूब जाएगी। शाहजी राजे भोसले के पुत्र श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य की मुहिम चलाने ही वाले थे, पर उससे पहले शाहजी राजे ने बैंगलोर शहर पर आक्रमण कर दिया। पर यह आक्रमण खून खराबे वाला बिल्कुल नहीं था। इस बात को समझने के लिए अफजल खान की बात बीच में लानी होगी। उस दौरान अफजल खान ने दक्षिण मुहिम के दौरान हिंदू राजाओं का कत्लेआम करना शुरू किया था। दक्षिण में बचे हिंदू राजाओं को कमजोर करने के पीछे अफजल खान का बड़ा हाथ था, पर फिर भी वे हिंदू राजा आदिल शाही की हुकूमत मानने से इनकार कर रहे थे। विजयनगर का राजा श्रीरंग राजा, राजा किंग नाइक, कावेरीपट्टनम का राजा जगदेव, श्रीरंगपट्टनम का राजा कंठीरव, तंजावर का राजा विजय राघव, मदुरई का राजा त्रिमल नाइक जैसे तमाम हिंदू राजाओं के साथ शाहजी राजे ने समझौता किया। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बैंगलोर शहर को बसाने वाले केम गौड़ा थे, वे बड़े ही शक्तिशाली और स्वाभिमानी राजा हुआ करते थे। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में उन्होंने बैंगलोर शहर की स्थापना की थी, पर उनके आने वाले वंशज इतने शक्तिशाली नहीं थे। शाहजी राजे भोसले ने उनके वंशजों को हराकर बैंगलोर शहर जीत लिया।
पर इस बीच जो राजनीति हुई वो जानकर आपको आश्चर्य होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तरह की राजनीति किया करते थे उसी प्रकार से उनके पिता शाहजी राजे सोचते थे। उन्होंने आदिल शाह के नाम पर बैंगलोर शहर जीत लिया, पर उनके द्वारा जीते गए नगरों पर आदिल शाह की सीधी हुकूमत कभी लागू नहीं हुई। बैंगलोर प्रांत शाहजी राजे ने तो जीत लिया, पर उस नगर की कमान अपने बड़े बेटे संभाजी राजे भोसले को दे दी। आपको जानकर हैरानी होगी, श्री संभाजी राजे भोसले को महाराजा अधिराज इस पदवी के साथ बैंगलोर शहर में पहचान मिली। पर यहाँ जानने लायक एक और बात है, ऐसा भी नहीं था कि आदिल शाह को ये बातें पता नहीं थी। उसे सब पता था, पर शाहजी राजे भोसले ने उन्हें अपनी राजनीति के पंजे में पकड़ लिया था। मैसूर, मदुराई, कावेरीपट्टनम जैसे हिंदू राजाओं ने भी शाहजी राजे का खूब साथ दिया, पर दुखद बात ये थी कि आदिल शाह के पीछे शाहजी राजे की राजनीति ज्यादा समय टिक नहीं पाई। 1650 का साल खत्म होने से पहले आदिल शाह ने भी शाहजी राजे के खिलाफ कार्यवाही की। आदिल शाही हुकूमत शाहजी राजे पर कुछ एक्शन लेती उससे पहले शाहजी राजे योजना बनाने लगे। उन्होंने कुतुब शाह सुल्तान को अपने पक्ष में लेने के लिए उन्हें खत भेज दिया। आदिल शाही को खत्म करने के लिए कुतुब शाह आगे आए, ये शाहजी राजे चाहते थे, पर कुतुब शाह बड़ा डरपोक निकला। कुतुब शाह ने आदिल शाही राज्य के अपने वकील को ये खत भेज दिया, फिर वो खत आदिल शाह के हाथ लग गया। अपने बुढ़ापे की जिंदगी जी रहा आदिल शाह ने देखा कि उनका मराठा योद्धा शाहजी राजे भोसले उनके खिलाफ जा रहा है। सह्याद्री में छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियाँ, बैंगलोर में संभाजी राजे भोसले की राजनीति, उत्तर में मुगल का खौफ, इन सारी बातों पर विचार करते हुए आदिल शाह ने शाहजी राजे भोसले को गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर दिया। इस फरमान से छत्रपति शिवाजी महाराज काफी बेचैन हुए, पर असली घटनाएं तो दक्षिण दिशा में हुई। आदिल शाह ने अपना जाबाज योद्धा मुस्तफा खान को बैंगलोर भेज दिया, जहाँ संभाजी महाराज अपने इच्छा अनुसार राज्य कर रहे थे। पर उस वक्त शाहजी राजे जिंजी में थे, इसलिए मुस्तफा खान को वहां जाना पड़ा। मुस्तफा खान बड़ा होशियार था, उसने मराठों की नीति मराठों पर आजमा के देखी और शाहजी राजे को युद्ध के मैदान में पकड़ लिया। जिंजी के किले में शाहजी राजे को कैद कर लिया गया। इसके बाद आदिल शाह ने अफजल खान को जिंजी भेज दिया। उन्हें कहा गया कि किसी भी हालत में शाहजी राजे छूटने नहीं चाहिए, इसलिए अफजल खान ने बड़े सावधानी के साथ शाहजी राजे भोसले को पकड़कर बीजापुर की सल्तनत की राजधानी बीजापुर में लाया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आदिल शाह ने इतने आसान तरीके से शाहजी राजे भोसले को कैसे आज़ाद कर दिया, वो भी बिना कार्यवाही के। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का। पिता की रिहाई के लिए उन्होंने आदिल शाह को ये एहसास करवाया कि वे मुगल सेना को लेकर आदिल शाह पर हमला बोल देंगे। अब मोहम्मद आदिल शाह ने थोड़ा सोच विचार किया। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी भोसले, सह्याद्री में खुद शिवराय, उत्तर दिशा में मुगल, इस राजनीति के बीच आदिल शाह बुरी तरह से फंस गया। अब उसके पास शाहजी राजे को रिहा करने के अलावा कोई मार्ग बचा नहीं था। बैंगलोर का मराठा साम्राज्य, इस विषय पर यह पहला भाग है। दूसरे भाग में हम शिव बंधु संभाजी महाराज पर चर्चा करेंगे, इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि शाहजी राजे द्वारा कायम किया गया बैंगलोर शहर का मराठे शाही राज्य का आगे क्या हुआ।